हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज मैं पैटर्न लेके आई हूँ। बहुत ही सुंदर सा पैटर्न है ये। इस तरीके से आता है, देखिए इसका फ्रंट लुक है, बैक से ये ऐसा दिखेगा। आप इसे अपने किसी भी नेटिंग प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कैसे बनेगा ये। इस पैटर्न को बनाने के लिए आपको 6 के मल्टीपल में फंदे लेने हैं, मतलब कि 6 6 के जोड़ में आप इसमें फंदे डालिएगा तो ये बिनाई आपकी एडजस्ट हो जाएगी। यहाँ पे पैटर्न में आपको 18 फंदों में डाल के दिखाऊंगी। 18 स्टिचेस हैं मेरे पास, 3 बार हमारा पैटर्न बनेगा इसमें। तो देखिए फर्स्ट रो पहली सिलाई है सीधी तरफ से, एक फंदा हम स्लिप करेंगे एज का। अब यहाँ से हमें रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है, तो 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4, फिर 2 फंदे उल्टे, 1 2। कंप्लीट हो गया है पैटर्न। फिर से पैटर्न को रिपीट करेंगे। इन्हीं 6 फंदों का पैटर्न था ये, 4 फंदे सीधे और 2 फंदे उल्टे। फिर से रिपीट करेंगे, 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4, 2 फंदे उल्टे, 1 2। कंप्लीट हो गया है पैटर्न। लास्ट में आपके पास ये 5 फंदे बचेंगे, तो इन 5ों फंदों को आप सीधा बिन लीजिएगा, 1 2 3 4 5। आ जाइए सेकेंड रो पे, दूसरी सिलाई है पैटर्न की उल्टे साइड से। एक फंदा स्लिप करा, यहाँ से हमारा रिपीट पैटर्न स्टार्ट होगा। तो 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 4, फिर 2 फंदे सीधे, 1 2। कंप्लीट हो गया है पैटर्न। फिर से रिपीट करेंगे, 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 4, 2 फंदे सीधे, 1 2। कंप्लीट हो गया है पैटर्न। लास्ट में आपके पास ये 5 फंदे बचेंगे, तो इन 5ों को आपने उल्टा बिन देना है, 1 2 3 4 5। आ जाइए थर्ड रो पे, तीसरी सिलाई है पैटर्न की सीधी तरफ से। देखिए एक फंदा स्लिप करेंगे, अब यहाँ से हमें अपना रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है। देखिए 1 2 3 4, इन 4 फंदों के बाद यहाँ से हमें एक नया फंदा बनाना है इस तरीके से, जो खाली स्पेस है इन 4 फंदों के बाद। यहाँ से हमने एक नया फंदा बनाया, इसको इस तरीके से लेफ्ट निडल में चढ़ाएंगे और फिर इन 2 फंदों को एक साथ सीधा बिन लेंगे आगे की तरफ से। देखिए इस तरीके से एक साथ हमने सीधा बिन देना है। इसके बाद 2 फंदे उल्टे, 1 2, फिर 3 फंदे सीधे, धागा पीछे करेंगे और एक, जो 2 उल्टे थे ये भी सीधे आएंगे, 2 3, 3 फंदे सीधे हो गए। तो ये कंप्लीट हो गया है यहाँ पे पैटर्न। फिर से अपने पैटर्न को रिपीट करेंगे, तो दोबारा रिपीट करेंगे तो देखिए 1 2 3 4, ये 4 सीधे फंदे हैं। इनके बाद यहाँ पर जो खाली स्पेस है, यहाँ से एक नया फंदा बनाएंगे, ऐसे ऐसे करके इसे लेफ्ट मिडिल में चढ़ाया, फिर इन 2 फंदों को एक साथ आगे की तरफ से सीधा बिन लेंगे, धागा आगे करेंगे, 2 फंदे उल्टे, 1 2, और 3 फंदे सीधे बिन देंगे, 1 2 3। कंप्लीट हो गया है पैटर्न। अब लास्ट में आपके पास देखिए 5 फंदे बचेंगे, तो 1 2 3 4, इन 4 फंदों के बाद यहाँ से एक नया फंदा बनाइएगा, ऐसे करके इसे लेफ्ट निडल में चढ़ाना है, ऐसे फिर इन 2 फंदों को आगे से एक साथ सीधा बिनना है, फिर 2 फंदे उल्टे, 1 2, फिर ये 2 फंदे सीधे, 1 2। तो लास्ट रिपीट में हमारे यहाँ पर 2 फंदे सीधे आएंगे, जब हम 3 फंदे सीधे कर रहे थे वहाँ पे हमारे 2 फंदे सीधे आएंगे। तो इस तरीके से हमारी थर्ड रो कंप्लीट हो गई।
आ जाइए फोर्थ रो पे, चौथी सिलाई है पैटर्न की उल्टे साइड से। इसमें जो जैसा फंदा दिखेगा आपको वैसा ही बिन के कंप्लीट करना है। तो एक फंदा स्लिप करेंगे, एक फंदा देखिए उल्टा बिनना है, यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करेंगे। तो दो फंदे सीधे, एक दो, फिर चार फंदे उल्टे, एक दो तीन चार, कंप्लीट हो गया है पैटर्न। फिर से रिपीट करेंगे, दो फंदे सीधे, एक दो, चार फंदे उल्टे, एक दो तीन चार, कंप्लीट हो गया है पैटर्न। लास्ट में आपके पास ये चार फंदे बचेंगे, तो दो फंदे सीधे बिनेंगे, एक दो, और दो फंदे उल्टे बिन लेंगे, एक दो। अब आ जाइए फिफ्थ रो पे, पांचवी सिलाई है पैटर्न की सीधी तरफ से, कि एक फंदा स्लिप करना है, फिर एक फंदा सीधा बिनेंगे। अब इन दो फंदों के बाद यहाँ से हमारा रिपीट पैटर्न स्टार्ट होगा जो कि दोहराया जाएगा। तो दो फंदे उल्टे, एक दो, फिर चार फंदे सीधे, एक दो तीन चार, कंप्लीट हो गया पैटर्न। फिर से रिपीट करेंगे, तो दो फंदे उल्टे, एक दो, चार फंदे सीधे, एक दो तीन चार, कंप्लीट हो गया पैटर्न। लास्ट में आपके पास ये चार फंदे बचेंगे, तो दो फंदे उल्टे बिनेंगे, एक दो, फिर दो फंदे सीधे बिन लेंगे, एक दो। आ जाइए सिक्स रो पे, छठी सिलाई है पैटर्न की उल्टे साइड से। इसमें जो जैसा फंदा दिखेगा वैसा ही बना के इसे कंप्लीट करेंगे। सेम हमारी फोर्थ रो की तरह बनेगी। देखिए एक फंदा स्लिप करेंगे, एक फंदा उल्टा बिनना है, इसके बाद यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है। तो दो फंदे सीधे, एक दो, चार फंदे उल्टे, एक दो तीन चार, फिर से रिपीट होगा, दो फंदे सीधे, एक दो, चार फंदे उल्टे, एक दो तीन चार, कंप्लीट हो गया। फिर लास्ट में चार फंदे बचेंगे, तो दो फंदे सीधे, एक दो, और दो फंदे उल्टे बिन लेंगे। आ जाइए सेवेंथ रो पे, सातवीं सिलाई है पैटर्न की सीधी तरफ से। एक फंदा स्लिप करा, यहाँ से हमें रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है। तो देखिए अब तीन फंदे पहले हम सीधे बिनेंगे, एक, ये दो उल्टे फंदे हैं इनको भी सीधा, दो तीन, तीन फंदे सीधे, इसके बाद एक दो तीन चार, इन चार सीधे फंदों के बाद यहाँ से एक नया फंदा बनेगा। फिर इसको लेफ्ट निडल में चढ़ाएंगे ऐसे, फिर इन दोनों फंदों को एक साथ आगे से सीधा बिनेंगे, धागा अपनी तरफ, दो फंदे उल्टे, एक दो, कंप्लीट हो गया यहाँ पे पैटर्न। फिर से अपने पैटर्न को रिपीट करेंगे, तो फिर रिपीट करेंगे तो तीन फंदे सीधे, एक दो तीन, फिर इन चार फंदों के बाद यहाँ से हमें नया फंदा बनाना है, इसको लेफ्ट निडल में चढ़ाएंगे ऐसे, फिर इन दो फंदों को एक साथ आगे से सीधा बिनेंगे। इन दो फंदों को आगे से एक साथ सीधा बिन दिया, धागा आगे, दो फंदे उल्टे, एक दो, कंप्लीट हो गया है पैटर्न। अब लास्ट में आपके पास ये पांच फंदे बचेंगे, तो इन पांचों को आपने सीधा बिन लेना है, एक दो तीन चार पांच। एट रो आठवीं सिलाई है पैटर्न की उल्टे साइड से। इसमें जो जैसा फंदा दिखेगा वैसा ही बिन के कंप्लीट करना है। तो देखिए एक फंदा हमने स्लिप करा, यहाँ से हमारा रिपीट पैटर्न स्टार्ट होगा। तो चार फंदे उल्टे, एक दो तीन चार, दो फंदे सीधे, एक दो, कंप्लीट हो गया पैटर्न। फिर से रिपीट होगा, चार फंदे उल्टे, एक दो तीन चार, फिर दो फंदे सीधे, एक दो, कंप्लीट हो गया है पैटर्न।
लास्ट में आपके पास ये पांच फंदे बचेंगे, तो इन पांचों को आपने उल्टा बिन लेना है। एक, दो, तीन, चार, पांच। देखिए, एक बार हमारा ये पैटर्न बन गया है, इन्हीं 8 रोज़ का ये पैटर्न है, तो इन्हीं 8 रो को आप जब आगे बड़ा बनाएंगे रिपीट करते हुए, तो आपको ये पैटर्न इस तरीके से दिखने लग जाएगा। थैंक यू।